कि देवरी उनियारा में अब तक कोई निर्दलीय नहीं जीता। कई लोग चुनाव लड़े, नरेश मियां तुम कैसे जीतोगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में पूरा जीवन यापन किया है, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, मैं भी एनसीएल से रहा हूँ, और पिछले 30 साल से गांव में पंचायत राज मेरी हम रहे। मेरे पिताजी 95 में सरपंच रहे, 2000 में मेरी माँ सरपंच रही, 2005 में मेरे भाई रहे, मेरे पिताजी पंचायत समिति सदस्य रहे, 2010 में मेरी पत्नी जिला परिषद की सदस्य रही, 2015 में छोटे भाई की विशेष पंचायत समिति सदस्य रही और मेरी माँ सरपंच है गांव में, अभी भी मेरी माँ सरपंच है। 30 साल से लगातार सरपंच एक गांव में बन जाए, एक पंचायत में बन जाए, कोई कोई भगवान की भूमि होगी, कोई कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये जनता इसे 30 साल से रेगुलर हमें आशीर्वाद देती है। मेरी माताओं का मौका मुझे भी बोलता, मैं भी बहुत सारे पैसे कमा सकता था, मैं भी हेलीकॉप्टर में घूम सकता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकता था, जयपुर में बड़ी बड़ी हवेलियां बना लेता, क्योंकि मैं 2002 में जयपुर में जब से मैं रहा हूँ 25 साल से मेरे साथ हजारों लड़के रहते थे, मेरा लठ बहुत मजबूत था, मैं चाहता तो जमीनों पे कब्जा कर लेता, प्लॉटों पे कब्जा कर लेता, कोई और गलत काम कर लेता और धन दौलत इकट्ठी कर लेता, लेकिन मेरे गाँव में एक कहावत है, गाँव में एक कहावत है, कूद कपूत तो क्यों धन संचय और कूद सपूत तो क्यों धन संचय। मैं एक बड़े खानदान में पैदा हुआ हूँ और इस खानदान में मैंने एक ही बात सीखी है, जिंदगी जीनी है तो ईमानदारी से जीनी है, जिंदगी जीनी है तो सच्चाई से जीनी है, और उसी राह पर मैं चला। मैंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए 2018 में एमएलए का टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं दिया, लोगों ने कहा सब्र करो, मैंने सब्र करा, उसके बाद मैंने 2023 में फिर से कांग्रेस का टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं दिया, और मजबूर होकर जब मुझे लग गया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में कभी टिकट नहीं मिलेगा, तो मैंने 12 में छबड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप जैसे वहां भी मैं अनभिज्ञ था, वहां मेरा घर नहीं था, गांव नहीं था, वोट नहीं था, जैसे यहाँ देवरा नहीं, मेरा घर नहीं है, गांव नहीं है, वोट नहीं है, उसी तरह से उस छबड़ा में भी अनजान जगह में चुनाव लड़ने गया, लेकिन जिस तरह से मैंने पिछले 25 साल से जो आमजन के लिए काम किया, जनसेवा मैंने जो की है, संघर्ष की राजनीति की है, इस तरह से मैंने छात्र राजनीति में रहते हुए छात्रों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, और अब मैं पिछले सालों से किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वही कारण रहा कि वहां की जनता ने आपके बेटे को 44,000 वोट दिए, छबड़ा की जनता ने आपके टिकट नहीं दिया, बड़े नेता ने मुझे मनाया, उन्होंने कहा आगे मौका देंगे, तुम बैठ जाओ, वहां भी मैं बैठ गया, वहां भी मैंने चुनाव लड़ा, और इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी, कि इस बार देवरी उनियारा में उपचुनाव है, पूरे राजस्थान की नजर है, इस बार मुझे टिकट मिलेगा, और पूरी उम्मीद और आशा के साथ मैं टिकट मांग रहा था, लेकिन जिसको आपने 2 बार एमएलए बनाया, जिसे हरीश चंद्र मीणा को आपने 2 बार एमएलए बनाया, उस हरीश चंद्र मीणा ने वीटो कर दिया, उसने कहा किसी को भी टिकट दे दो, लेकिन इस नरेश मीणा को टिकट मत दो, नरेश मीणा को अगर टिकट दोगे तो मैं इस्तीफा, पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, इसको मैं आने नहीं दूंगा। मैंने कहा मुझे मत दो टिकट, और मैंने तो हरीश मीणा को पंच में दे दो, मैंने हरीश मीणा के पास अपने रिश्तेदार भेजे, और मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हरिश्चंद्र जी, आप इस देवरी मेरा को छोड़ना नहीं चाहते, मेरा को पता है आप सांसद बन गए, आप 2028 में भी आपकी नजर इस देवरी उड़िया पर है, और नजर इसलिए है क्योंकि आप अहमदाबाद में जा नहीं सकते, वहां इंदिरा मीणा एमएलए बनकर बैठी है, आप इंदिरापुर में जा नहीं सकते क्योंकि वहां रामकेश मीणा एमएलए बनकर बैठा है, आपको हरी जी मीणा, आपको ये चलाकर भूमि दिखती है, आपको यहाँ लोकल लेवल पे आपने किसी को नेता बनाया नहीं, इसलिए आप सोचते हो कि 2028 मुझे मैं सांसद हट जाऊंगा तो फिर से दिल्ली वगैरह में एमएलए बनता, इसलिए मेरा टिकट था, मेरे जब मेरे को लगा कि पर वो टिकट नहीं देना,
तो मैंने कहा आदरणीय हरीश जी मीणा साहब, आपके भाई है नमोनाथ जी मीणा, उन्होंने समाज के लिए बहुत त्याग किया है, समाज के लिए बहुत बलिदान दिया है। नमोनाथ जी मीणा ने फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए आदिवासियों को वन कानून अधिकार दिया, वित्त मंत्री रहते हुए बैंकों में हमारे बच्चों को नौकरी दी। हरीश जी आपके भाई है, उनको टिकट दे। हरीश जी से मैंने कहा अगर आप इस कार्य को टिकट देते हैं तो बलिराम जी को टिकट दे दो, वो जो हमारे जिला संघ अध्यक्ष मुकेश जी को टिकट दे दो, जसराम को टिकट दे दो, और जो टिकट लौटती है उनको टिकट दे दो, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दे दो। लेकिन मेरे पंचपटे को, मेरी माता, आप लोग कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट देते हो, आप लोग ये नहीं देखते कौन कैंडिडेट है, कौन प्रत्याशी है, आप किसको वोट दे रहे हैं। आप तो जैसे वोट देने जाते हो हाथ का निशान देखते हो और हाथ के निशान पर अपना वोट दे देते हो। आपको लगता है कि बीजेपी हमारे खिलाफ पार्टी है, बीजेपी हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, बीजेपी हमारे अधिकारों में कुठाराघात करती है, इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी सच्ची पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी सच्चा कांग्रेस ऑप्शन है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट देते हो। लेकिन क्या आपको ये एहसास है, क्या आपको ये पता है आप इस कांग्रेस पार्टी के नाम पर पंजे में वोट देकर इनको जिला के भेजते हो, वो क्या कर रहे हैं, वो कांग्रेस के सगे है कि नहीं है, ये भी तो आप पता करो। वो हरीश मीणा जिसको आपने कांग्रेस के नाम पर दो बार एमएलए बनाया, वो हरीश मीणा जिसको कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का डीजी बनाया था, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, 5 साल डीजी लगा, लेकिन उस हरीश मीणा ने सबसे पहले कांग्रेस को धोखा दिया और सगे भाई नमोनाथ मीणा के खिलाफ, तो नमोनाथ जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे दौसा में, बीजेपी का टिकट लाकर नमोनाथ जी के खिलाफ दौसा में जा रहा, यही हरीश मीणा पहले भाई के खिलाफ दौसा में जाकर हुआ, फिर नमोनाथ जी 2014 में देवी मीणा से टिकट मांग रहे थे उनके खिलाफ, फिर बीजेपी से पाला पलटा और पट्टू राम ने कांग्रेस ज्वाइन करके और आपके यहाँ 2018 में आपने, अगर 2018 में आप सब पढ़े लिखे लोग अगर यहाँ से नमोनाथ जी चुनाव लड़ते, नमोनाथ जी चुनाव जीतते, अशोक गहलोत की सरकार में गृह मंत्री होते, वित्त मंत्री होते, कोई बड़ा मौका होता नमोनाथ जी के पास होता, लेकिन नमोनाथ जी की राजनीति होता। इसलिए कहना चाहता हूँ ये परिवार के सगे नहीं, ये पार्टी के सगे नहीं है, ये भाइयों के सगे नहीं है, अरे ये तो वो लोग हैं जो राजस्थान का डीजी का पद इनके पास था, इनका एक भाई ओम प्रकाश जिसके बाद मुख्य सचिव का पद था राजस्थान का, ये चाहते तो बामनवास की तकदीर तस्वीर बदल देते, देवी मीणा की तकदीर तस्वीर बदल देते। मेरे युवा साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक एसडीएम लगे हुए अजमेर में, एक एसडीएम लगे हुए पूजा समाज का मसूदा में, और आपने टीवी में अखबारों में पढ़ रहे हुए तो अक्षय कुमार एक गाँव में आता है देवमाली समाज गाँव में, देवमाली गांव का नाम आपने सुना होगा, एक एसडीएम, एक छोटा सा अधिकारी एसडीएम के पद में बैठा हुआ एक गुजर समाज का लड़का जिसने पूरे देवमाली गांव को पर्यटन स्थल बना दिया, आज उस गांव में दुनिया दूर दूर दराज से लोग उस गांव को देखने जाते हैं और वहां के हर घर में करोड़पति बन गए, हर घर में पैसा है, ऐसे एसडीएम होते हैं। तो जब आपको राजस्थान के डीजीपी से आपका भाई गृह मुख्य सचिव था आप चाहते तो बामन वहां स्वर्ग बन जाता, स्वर्ग बन जाता, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं, आपने केवल आज दिन तक स्वार्थ की राजनीति करी है, केवल वोट मांगने पर आप लोगों के बीच में जाते हो, वोट मांगने के बाद आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी माता बहन, कभी हरीश मीणा को ब्याह शादी में बुलाया, माटा में बुलाया, उसके बेटे की शादी हुई जिसके बाद जिसको वोट दे दो, तो बामनवास में रहने वाला हरीश मीणा, हरीश मीणा जो आरक्षण की दम पर एसपी बन गया था, हरीश मीणा तो मीणा समाज को जो आरक्षण मिला हुआ है, जो कैप्टन साहब ने जो आरक्षण दिलाया है उसकी दम पर एसपी बन गया था। तो जब आप एसपी बन गए थे, पुलिस में बड़े महकमे में बैठ गए थे, तो कोई बेटी तो समाज की ढूंढ लेते, कोई मीणा समाज में शादी तो कर लेते। लेकिन ये हरीश मीणा जिसको आप तो आवाज एमएलए बना रहे हो, और आप एमएलए क्यों बनाते हो, मापो मीणो छे, मापो मीणो छो, मापो मीणो टिकट दे रहे छे, और तो याद सके जो मीणो कौन है, अरे यो हरीश मीणा तो एक तो शादी करवा के लिए मीणी ने बनी, जो तो पंजाब सुनारे पंजाब बन गए। अब शादियों में जाते हैं, अब शादियों में आपको कैसे बढ़ाए, आपको कैसे शादी में बुलाए, हनुमत की शादी करी, देवी ने एक आदमी को मारा नहीं दिया, एक आदमी को बरात में लेके नहीं गया, क्योंकि हरीश मीणा जानता था अगर देवी उजाला के लोगों को, समाज के लोगों को मांडे में बुला लिया, बरात में बुला लिया, तो समाज के लोग पूछेंगे
हाथी कहाँ के है, कपड़े उड़ाने वाले कहाँ के आए, फिर उसके पास क्या जवाब है? अरे मेरे माताओं बहनों, मेरी माताओं बहनों, मेरी माताओं बहनों, अरे भगवान ने हमें इतने संस्कार दिए, इस समाज इतना संस्कार किया, अगर वो हरीश मीणा किसी मीणा बेटी को या का मीणा बेटी से शादी हरीश मीणा कर देता तो मीणा महिला कभी भी समाज के किसी आदमी को उसके दरवाजे से भूखे पेट नहीं आने देती, क्या खाली हाथ नहीं दे देती। आपने बोल बात में देखा होगा वो किरणीलाल मीणा जो खुद डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर था, किरणीलाल उसका बहुत बड़ा होता था, लेकिन उसने भी तो गोरमा ध्यान और वो गोरमा देवी जो लक्ष्मी का रूप है, आज किरणीलाल जी की राजनीति चल रही है तो उस लक्ष्मी की वजह से चल रही है, उस गोरमा देवी की वजह से चल रही है। लोग कहते हैं जो किरणीलाल जी घर नहीं जाते थे, महीनों तक इधर उधर घूमते थे, तो जब लोग किरणीलाल जी के बंगले में मान स्वरूप में जाते थे तो गोरमा देवी किसी को भूखे पेट नहीं आने देती, किसी को बिना पानी पिलाए बिना चाय पिलाए नहीं आने देती थी। अरे आप किसको मैंने तो उसको बना जो आपके दुख दर्द में शामिल हो, आपके कुशल से पूछे, आपके जन्म मरण में आपके बीच बनाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ देवली उजियारा में एक भी आदमी बता दो जिसने हरीश मीणा का घर देखा हो, एक कार्यालय खोल रखा है जवाहर सर्किल में, एक जवाहर सर्किल में कार्यालय खोल रखा है, वहां भी वो टाइम से आते हैं, इतने बजे आना, आम आदमी फोन नहीं कर सकता, आम आदमी हरीश मीणा को फोन नहीं कर सकता। और फिर यहाँ किसको काम से बना रखा है, हरी जी मीणा से काम बढ़ कर किसके पास जाओ, एक चेक ग्राम मास्टर लगा रखा है, पावन वास्ते ना कर एक चेक ग्राम मास्टर। अगर किसी को तबादला करवाना है, किसी को कोई काम है तो हरीश मीणा को नहीं कर सकते, किसके पास जाओगे, चेक ग्राम मास्टर साहब के पास जाओ। और चेक ग्राम मास्टर साहब शाम को 7 बजे तक, इसलिए मेरी माताओं बहनों ये जो हरीश मीणा ने टिकट दिया है, ये टिकट आप तो कांग्रेस के नाम से तो बोल देते हो पंच मिले लो, लेकिन जिस व्यक्ति को बीजेपी टिकट दिया हरीश मीणा ने, वो 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के नारे लगा, वो कैसे मीणा 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी के नारे लगा था, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा था, उस हरीश मीणा को कांग्रेस में कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, उसने उसके मीणा को दिया जिसने बड़े पद में नौकरी करी और नौकरी करके रिश्वत का पैसा कमाया, भ्रष्टाचार का पैसा कमाया, बड़ा मान कमा लिया। और हरीश मीणा को क्या चाहिए था, उसको बड़ा बैग मिल गया, ऐसा बैग कैसे से मिल गया जिसमें बजट बहुत था, अब हमारे पास बजट वाला बैग नहीं था, उस वजनधारी केसी को टिकट, केसी को टिकट पैसे से मिला, केसी को टिकट इस बात का मिला है कि पिछली बार जब हरीश मीणा चुनाव लड़ा 2023 में, उनके सामने विजय भैंसला जी चुनाव लड़े, विजय भैंसला जी को हराने के लिए जो बीजेपी का कैंडिडेट है राजेंद्र गुर्जर, उसने पूरी ताकत लगाई, हरीश मीणा की मदद करी, और अब हरीश मीणा उस राजेंद्र गुर्जर की मदद करना चाहता है, उस केसी मीणा को भी केवल मजर पैसा उसका ले लिया, टिकट उसका दिला दिया कि ये तो वैसे हार जाएगा और मैं राजेंद्र गुर्जर की मदद कर दूंगा, फिर इस बार राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत जाएगा और 2028 में फिर मैं वापस देवली उजियारा में जाऊंगा और लोकल कहूंगा कि देखो तुम लोकल लोकल मानते थे, तुम स्थानीय कैंडिडेट मांगते थे, मैंने तुम्हें स्थानीय कैंडिडेट दे दिया, मैंने तुम्हें लोकल कैंडिडेट दे दिया, मैंने तुम्हें कैसी मीणा दे दिया, अब तुमने कैसी मीणा बढ़ा दिया, इसलिए अब लोकलों में दम नहीं है, स्थानीय कैंडिडेट में दम नहीं है, इसलिए वापिस 2028 में हरीश मीणा जी। लेकिन बाबा मैं नहीं आता तो ये बातें कौन बता, बाबा मैं नहीं आता तो ये बातें कौन बताता, कौन कहता कि हरीश मीणा कौन है, कौन कहता कि हरीश मीणा वो जिसने नरेंद्र मोदी की हत्या करी, हरीश मीणा वो है जिसने आज तक पावन वास की शक्ल नहीं देखी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये नरेश मीणा वो शख्स है जिसने वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, जिस नरेश मीणा ने, अगर नरेश मीणा नहीं होता तो आपके यहाँ से हनुमंत चुनाव लड़ता रिश्ता छोड़ा और उधर मुरारी की वो लाली चुनाव लड़ती, वो निहारी का चुनाव से लड़ती, लेकिन नरेश के डर के मारे ना तो यहाँ वो हनुमंत लड़ पाया ना लाली निहारी का लड़ पाई। और मेरी इच्छा यही है, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे बना दिया, अगर देवी उजियारा की जनता जनार्दन ने अपने बेटे को मेरे बना दिया तो मैं आपको वादा करता हूँ 4 साल बाद में इतने सारे नरेश मीणा पैदा कर दूंगा, इतने सारे नरेश मीणा पैदा कर दूंगा। तो
कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ नजर नहीं डालेगा, अगली बार एमएलए बनेगा तो देवगुनिया का बनेगा, और मैं 4 साल बाद अगर विधायक बन गया तो छोड़कर चला जाऊंगा। ये मैं आपसे मंदिर में वादा रखता, अगर मैंने एमएलए बना दिया 4 साल आपकी सेवा करूंगा, और 4 साल बाद में देवगुनिया की किसी युवा को आगे बढ़ाते हुए उसके माल उसके गले में माला डाल के नरेश मीणा उसको संपूर्ण देवगुनिया के लोगों के बीच में समझा जाएगा और खुद चमड़ा चलाएगा। और इसके साथ ऐसा ही, अगर आपके बेटे को आपने एमएलए बना दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ संभालता हूँ। ये जो रेत की जो बना से रेत आती है, बजरी आती है, जब बड़े बड़े बजरी माफिया टम्पर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, एलएनटी चल रही है, और आम गांव के किसान को आम व्यक्ति को एक कड़ी रेत नहीं मिल रही, एक कड़ी पत्थर नहीं मिल रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मुझे एमएलए बना दो, पहले किसान को ठंडी जाएगी, उसके बाद में पत्थर भरेगी, उसके बाद में टम्पर भरेंगे, लेकिन मेरा अधिकार हम यार कहना चाहता हूँ, मेरी माता मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस बेटे को एमएलए बना दिया तो थानेदार की डिप्टी की औकात नहीं है जब थाने में किसी से 1 रुपया मांग ले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे को एमएलए बना दो, ये जो चाहिए नहीं है, ये जो बिजली डिपार्टमेंट में बैठे हैं जो खम्भे के नाम से पैसे मांगते हैं, लाइट के नाम से पैसे मांगते हैं, जो कलेक्शन के नाम पर पैसे मांगते हैं, ये आईएनजे 1 रुपया नहीं मांग सकते, ये जो पटवारी नकल के नाम पर पैसे मांगते हैं उनको उन पटवारियों का इलाज कर दूंगा, एक बार एमएलए बना दो भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। जो संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है उसको नरेश मीणा खत्म कर देगा, और नरेश मीणा एमएलए बनने के बाद, अगर नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद किसी थानादार ने, किसी तहसीलदार ने, किसी पटवारी ने, किसी आईएनजे ने अगर किसी ने किसान से 1 रुपया ले लिया तो उसको खदेड़ के बिठा के गाना मैं आपके बीच में आया छोली फैला के आपके बीच में आया हूँ, नंगे पैर हूँ, पर मैंने ये बोला था नहीं मानता हूँ। जब मेरे पे नेताओं ने भरोसा छोड़ दिया, पार्टी ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं भगवान के दरबार में गया, खाटू श्याम जी से मैंने निवेदन किया, अर्जी लगाए, हे खाटू बाबा, हे हरि के सहारे, अब इस बेटे को तत्ता देते हैं इस बाबा खाटू श्याम जी, इस नरेश को शक्ति दे ताकि ये लड़ सके। अगर खाटू बाबा के आशीर्वाद से, बजरंग बली के आशीर्वाद से, भगवान देवनाथ के आशीर्वाद से, भगवान तेजाजी के आशीर्वाद से, धनी महाराज के आशीर्वाद से, वीर भगवान के आशीर्वाद से, और आप चंदन जनार्दन के आशीर्वाद से अगर नरेश मीणा एमएलए बना तो सीधा टोंक से एमएलए बनने की घोषणा के बाद पैदल 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 खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन करने। बारामपुरा वोट देता तो ठोक के देता है, एक तरफा देता है, 100 में से 100% देता है। बारामपुरा और रोशनपुरा ये गांव फेमस है देवरी में, मैं रोशनपुरा गया था, रोशनपुरा ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, किया रोशनपुरा वालों ने कहा भाई साहब एक वोट नहीं जाने देंगे, कोई टोकरा इधर उधर हो रहा होगा, कोई टोकरा को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो सोता रह जाएगा, उसके बदले मौके आएंगे। आप बजरंग बली के स्तर पर बैठे हो, एक चौपाई रामायण में रघुकुल रीत में सदा चलाई, रघुकुल रीत में सदा चलाई, क्या भला बुरा वाले नरेश मीणा को वचन दे रहे हैं? जहां भी आपकी रिश्तेदारी आप वोट दो और उनसे कहो इस बच्चे को वोट दो, इस बेटे को, पार्टी को वोट देते हो तो 70 साल हो गए, कई बार कांग्रेस बीजेपी, एक बार आपके बेटे का नाम लो, इसी तरह आपकी तरह एक बेटा जो रविंद्र भाटी था उसको भाड़मेर के लोगों ने इसलिए बनाकर भेज दिया, आज रविंद्र भाटी का नाम पूरे देश में हो रखा है। अगर आप लोगों ने नरेश बेटे को अगर एमएलए बना दिया तो आपके बेटे का नाम भी सचिन पायलट हो जाएगा।